मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं और आप सभी इस बात पर गौर भी करें कि हम सब लोग अपनी माइंड पावर बढ़ा सकते हैं, मेमोरी पावर बढ़ा सकते हैं, अपना बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, अपना एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं, अपना लाइफ के प्रति गोल बदल सकते हैं, अपने लाइफ का बड़ा पर्पस अपन सेट कर सकते हैं, अपने जीवन में अपन अपने आप को आउटस्टैंडिंग बनाने का लक्ष्य रख सकते हैं। तो ये सब सकना नहीं है, करना है। मैंने आपसे क्या कहा, हम अपना माइंड पावर बढ़ा सकते हैं, सकते हैं नहीं, अब मैं कह रहा हूँ बढ़ाना है। मैं आपसे क्या कहा, हम सब चाहें तो अपना गोल बड़ा कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं, करना है। अरे यही तो मौका है, दोबारा मौका कब मिलेगा। हाँ, हम अपने खान पान में बदलाव करके, सात्विक भोजन अडॉप्ट करके, अपने दैनिक जीवन में बदलाव करके, अपने हैबिट्स में बदलाव करके, अपने रोजमर्रा की दिनचर्या में बदलाव करके, अपने जीवन शैली में बदलाव करके, थोड़ा सा कष्ट होगा एक बार, बाद में कितनी खुशी मिलेगी, बाद में कितना आनंद आएगा। हम अपने अंदर जबरदस्त बदलाव कर सकते हैं, अपने माइंड पावर, मेमोरी पावर, डिसीजन मेकिंग पावर, अपने बिहेवियर, अपनी पॉजिटिविटी, अपने एटीट्यूड, अपने गोल्स, इन सब को हमें बदलना है और ये हमें ही करना है, कोई और नहीं करेगा। हम सबको एफर्ट्स करने हैं इसके लिए। अरे भाई, हम अपने से ही शुरुआत करना है, अपने आप पर ही प्रयोग करने हैं, छोटे छोटे प्रयोग, और उन प्रयोगों से अपना ही ट्रांसफॉर्म करना है, क्योंकि इससे फायदा हम ही को मिलना है। जो रिवार्ड मिलेगा अपना होगा, जो फायदा मिलेगा अपना होगा, जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा मेरे को खुद को मिलेगा, तो फिर क्या दिक्कत। माइंड पावर की बात, मेमोरी पावर की बात, माइंड पावर बढ़ाने के सिंपल स्टेप्स क्या हैं, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, सामायिकी, बहुत सिंपल काम है, हम में से हर व्यक्ति को करने हैं। इन प्रयोगों को हमको, हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना है। हमें स्कूलों में यही नहीं सिखाए जाते, बाकी सब बातें सिखाते, लेकिन ये बातें हमें अपने आप सीखनी है और अपने आप ही दूसरों को सीखने के लिए प्रेरित करना है। जहां चाह वहां राह, ये सब आसान काम है, आप चाहेंगे सीख जाएंगे, बहुत आसान है, कहां मुश्किल है। अरे इनमें करना क्या है, अगर आप सिंपल एक घंटा सिर्फ शांति से बैठ गए, अपनी सांस को ही देखते रहे, आधे घंटे तक अपनी सांस को देखते रहे, आपका ध्यान हो गया। ध्यान का पहला कदम कितना आसान है, आप में से जिसकी भी इच्छा हो ध्यान सीखने का, मैं आपको सिखा सकता हूं, कितना आसान। योग कितना आसान है, आप सिंपल आसन में बैठ गए, एक आसन में 15 मिनट तक बैठना है, आपको जो योग की मुद्रा आपको अच्छी लगे, आसान लगे, सरल लगे, उससे शुरुआत करिए। 15 मिनट तक उस मुद्रा में बैठना है, धीरे धीरे सांस लेना है, आती जाती सांस को देखना है। योग और ध्यान, ये हमें अपने आप से जोड़ते हैं, हम अपने और नजदीक आ जाते हैं, अपने आप को भी आप महसूस करते हो ना, अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को कैसे महसूस करते हो, ऐसे तो महसूस नहीं होते। आप जब आसन करते हो, योग करते हो, ध्यान करते हो, तो आपको अपने अंदर की चेतना महसूस होती है, अपने अंदर की चेतना को आप देख पाते हो, है ना। मान लीजिए आपको मैंने कहा अपनी दोनों आंखें नाक के ऊपर यहां लगा करके आप 15 मिनट तक अपनी सांस को देखें। इस एक्सरसाइज, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को करने से ही आपको अपने अंदर की जो चेतना है उसका एहसास होने लगता है। या मान लीजिए मैंने आपसे कहा 10 मिनट के लिए कायोत्सर्ग करें। कायोत्सर्ग क्या है, शरीर पूरी तरह से स्थिर छोड़ दिया, लेट गए आप, अपने पांव से लेकर के अपने मस्तिष्क तक के पूरे शरीर को देखा और उसको शिथिल होने के लिए कह दिया।
शरीर और आत्मा के ड्यूअलिटी, शरीर और आत्मा के द्वैत भाव को महसूस किया, नतीजा क्या हुआ? आप अपनी चेतना को महसूस करने लगे, अपने शरीर की चेतना को देखने लगे, आपको एक एहसास हो गया कि आपका शरीर आपकी चेतना अलग अलग है, आपके अंदर आपकी चेतना अलग है, आपका शरीर अलग है, आपका चेतना अलग है, आपकी आत्मा अलग है, आपका शरीर अलग है, ये चेतना जागृत होने लग गई, राइट। मेमोरी इंप्रूवमेंट, अब मेमोरी इंप्रूवमेंट के लिए क्या करना है? इस प्रकार का भोजन करना है, इस प्रकार से खाद्य लेना है, इस प्रकार से भोजन करना है, इस तरह से पेय लेना है कि हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहे, हमारा शरीर भी ठीक रहे, मस्तिष्क ठीक रहे, मस्तिष्क की क्रियाशीलता बढ़े। भोजन लेते वक्त कम से कम 25% फ्रूट्स लेने हैं, कम से कम 25% फ्रूट्स लेने हैं। फ्रूट्स इसलिए ताकि हमारी माइंड की जो पावर है वो बढ़े, तुरंत फ्रूट से तुरंत बेनिफिट मिलता है। और कुछ खास प्रकार के फ्रूट्स, कुछ खास प्रकार की वेजिटेबल्स जैसे शंख पुष्पी, ब्राह्मी पत्ती, ये हमें तुरंत रिवाइटलाइजेशन, हमारे माइंड पावर डेवलपमेंट में मदद करते हैं, है ना। बादाम ये हमें मदद करते हैं, इनका हमें भोजन में इस्तेमाल करना है। हमें अपने अंदर बदलाव करने हैं, अपने अंदर किस में बदलाव करना है? अपने आवेश पर। कई लोग होते हैं गुस्सा अधिक आता है, ये एक मानसिक बीमारी है, इस तरह की मानसिक बीमारियां, गुस्सा ज्यादा आना, शॉर्ट टेम्पर्ड होना, आवेग आना, क्रोध आना, झल्लाना, ये सब मानसिक बीमारियां हैं, हम सब में होती है। इन बीमारियों को धीरे धीरे हमें रिफ्लेक्शन से इनके ऊपर काबू लाना है। रिफ्लेक्शन क्या है? हमें अपने मन को अपनी आत्मा से अलग महसूस करना है। मन में क्रोध आ रहा है, मन को भी देखना है, मन में आवेग आ रहा है, मन को भी देखना है, मन में नाराजगी आ रही है, उस नाराजगी को देखना है, ये देखना है, देखो मन नाराज हो रहा है, मन को देखना है। और जब हम अपने मन को देखने लग जाते हैं, इस प्रकार हम अपने अंदर एक ड्यूअलिटी का भाव पैदा कर लेते हैं कि ये जिसमें आवेश आ रहा है, जिसमें क्रोध आ रहा है, वो मेरा मन अलग है, मैं अलग, इसको देखना है। और इस प्रकार जब भी क्रोध आए 10 मिनट तक मन को देखते रहना है, 10 तक की गिनती करनी है, 20 तक की गिनती करनी है, वो क्रोध धीरे धीरे ज्वालामुखी की तरह ऊपर बढ़ा और फिर धीरे धीरे कम हो गया, इसको देखना है। तो ये छोटे छोटे प्रयास हैं जो हमें करने हैं। हम सबको अपने अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट करने के लिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग बनने के लिए हम सबको जी जान लगा के मेहनत करनी है। अपने लिए छोटे लक्ष्य मत रखिए, जितने बड़े लक्ष्य रख सकते हो, असंभव लक्ष्य रख सकते हो तो वो रखिए, बड़े से बड़े लक्ष्य रखिए अपने अंदर। अरे जीवन है यही, आप जिस लक्ष्य को आज असंभव मान रहे हो, क्या पता कल वही लक्ष्य आपके लिए आसान हो जाएगा, क्या पता। लक्ष्य कोई असंभव नहीं है, अगर आपको लगे कि असंभव लक्ष्य है तो उस लक्ष्य को रखिए ही मत। लक्ष्य दूसरों को लग सकता है कि असंभव है, जब आपके अंदर का आत्मविश्वास है उस लक्ष्य को, जिसको वाकई आप पाना चाहते हैं, उस लक्ष्य को अपने कमरे में बड़े बड़े अक्षरों में लिखें, दिल से उस लक्ष्य को फॉलो करें, पैशनेटली उसके लिए काम करें। समय 24 आवर्स हर एक को दिए हैं, आपके पास भी हैं, आपके पास भी वही 24 घंटे हैं जो नरेंद्र मोदी जी के पास में है या जो अन्य किसी व्यक्ति के पास में है। उन 24 घंटे का कंस्ट्रक्टिव यूज तभी होगा जब एक लक्ष्य के लिए आप काम करेंगे। उस लक्ष्य को ध्यान में रखें, जीवन में एक बड़े लक्ष्य के लिए काम करें, बेहतरीन लक्ष्य के लिए काम करें। मौका मिले तो ऐसे लोगों की जीवनियां देखें, ऐसे लोगों से मिलें जिन्हें पद्मश्री मिला है, पद्म विभूषण मिला है, उनके बारे में पढ़ें। मौका मिले तो उनसे मिलें। हमारे आसपास इतने अनेक लोग हैं जिन्होंने इतने शानदार काम किए हैं, अगर उन व्यक्तियों से हम खुद मिल सकें बहुत बड़ी बात होगी, ना मिल पाए तो उनकी कहानी पढ़ें। ऐसे लोगों के ऊपर फिल्में भी कई बनी हैं, उन फिल्मों को भी आप देख सकते हैं। प्रयास ये रहना चाहिए कि हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव विचार आए, सकारात्मक विचार आए। गार्बेज इन गार्बेज आउट, जैसे विचार आएंगे वैसे ही हम बनेंगे। हम क्या हैं? एक विचारों का पुलिंदा है। इन विचारों में सिर्फ पॉजिटिव विचार आए तो क्या होगा, हम पॉजिटिव बन जाएंगे। और हमारे पास सिर्फ नेगेटिव विचार आए तो
तो हम अपने आप बदल जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा कब हम नेगेटिविटी का बंडल बन जाएंगे। आज मैं आपको शायद ठीक लगूं, कल मैं शायद आपको बेकार लगूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं नेगेटिविटी का बंडल बन गया तो फिर मैं ना आपके किसी काम आऊंगा ना किसी और के किसी काम आऊंगा। जब तक मैं पॉजिटिविटी का बंडल हूं, मैं खुश, खुद भी खुश हूं, खुद भी तरक्की कर रहा हूं और सब लोगों को पॉजिटिविटी के लिए प्रेरित कर रहा हूं। तो कोशिश यही करिए, वो दोस्त अपनाएं, वो फ्रेंड्स चुने, वो ऑर्गेनाइजेशन चुने, वो फैमिली एनवायरनमेंट चुने, वो मोहल्ला चुने जहां मैक्सिमाइज हो सके पॉजिटिविटी की पॉसिबिलिटी, जहां पे आप फुल पॉजिटिविटी को अडॉप्ट कर सकें।